राम राम सीताराम सबको, गुड इवनिंग। राम राम सीताराम। मैचिंग किया नहीं है लेकिन हो गया, देखो आज फिर से। मैं तुम्हारे पहले पहने कपड़े नहा के। मुझे अभी पुराने मेरे कुछ ड्रेसेस वापस फिट हो रहे अच्छे से। तुम ड्रेस में आ रही हो अभी, इसका मतलब। और अपना इवनिंग टाइम में यहाँ पे मजा आता है। हाँ। खेत में। और हमारे जो सारे पार्टनर्स है ना, वो अभी ऊपर से जो मूंगफली है ना वो कलेक्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए भी हम गिफ्ट, गिफ्ट तो नहीं, कुछ होम का छोटा सा टॉय है जो बच्चों के लिए है। और है हमारे पार्टनर है, उनके लिए एक और प्लान है, बहुत जल्दी वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि हमने सबके लिए खाना वहाँ पे लेके गए थे, तो ये तो हमारे पार्टनर्स है, हमारे यहाँ रहते हैं, तो ये बच्चों को भी अच्छा लगता है जब नया खाना, बड़ों को सबको अच्छा लगता है जब नया कुछ खाना, पाव भाजी ऐसा कुछ मिले तो। हाँ। तो वो कुछ प्लान करेंगे एक दो दिन में वो भी। और ये मूंगफली को ना अभी हमने छुपा के रख दिया, कवर अप कर दिया। जो कड़प होती है, जो जुआर होती है, उसकी चारा है गायों का, तो उससे कवर अप कर देते ताकि इसको ज्यादा धूप भी ना लगे, क्योंकि धूप लगने से क्या होता है, सूख जाती है मूंगफली, तो ये टाइम वरना ही क्या करना पड़ता था, रोज इसको ढकना होता है, लेकिन ये गर्म होता है ना। हाँ। जो ब्लैक कपड़ा है वो, तो इससे ये अच्छा है, ठंडा रहता है। ओके, तो ऐसे वाले ना बेल्ट है, कैसे लगाते हैं, ये स्लिप बैंड है, ये बच्चों को अच्छा लगेगा। थिंक अभी हमारे कोई गेस्ट, हमारे सब्सक्राइबर्स है या गेस्ट है, कोई आ रहे। ये तो हमारे अपने ही है, जितेन भाई और सभी है, हमें लगा कि कोई सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। हेलो, संतोष बेन एंड जितेन भाई आए हुए रिच वेल्थ से, और चाय पानी पिया, थोड़ी देर बैठे बातें की, और अभी ऐसे इस साइड खेतर में मूंगफली देखने के लिए आए, चक्कर लगाने के लिए आए, तो मैं भी वहाँ पे जा रही हूँ अभी। तो रिच वेल्थ जामनगर से जितेन भाई आए हुए हैं हमारा कामकाज देखने, और वो आते हैं दिवाली के लिए गिफ्ट लेके, तो इस बार भी आए हैं। तो हमारा कामकाज तो जितेन भाई ये चल रहा है, आपका कामकाज कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है रिच वेल्थ, मतलब हमारे जो इन्वेस्टर है, क्या कामकाज आपका अभी? नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, और सब आपकी दुआ से काफी सारे लोग, अरे थैंक यू, काफी भारत के हर एक कोने से लोग आ रहे हैं और सब इन्वेस्टमेंट करके हर महीने रिटर्न ले रहे हैं, और यही तो एक खासियत है हमारी इंडिया की, कि भारत की सब एकजुट होकर करते हैं सब, और आपके चैनल के माध्यम से काफी लोगों से हमारी भी बातचीत हो रही है और सब तो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थैंक यू जितेन भाई, हमारा भी है प्लान, जल्दी मिलेंगे आपको धनतेरस के आसपास, देखते हैं अभी तो आइए कभी भी। और एक बात कि 31 दिसंबर के बाद प्लान में थोड़े चेंजेस भी हो रहे हैं, तो दूसरे प्लान भी आएंगे जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए भी, और पुराने हैं उनको तो पता ही है ऑलरेडी, और इससे पहले भी वीडियो में मेंशन भी किया था हमने कि 31 दिसंबर के बाद थोड़े चेंजेस आ रहे हैं प्लान में, लेकिन पुराने जो इन्वेस्टर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नए इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा चेंजेस। तो वो तो इंक्वायरी कर सकते हैं लोग। और इंक्वायरी में मैं आपको एक खास बात बता दूं कि रिच वेल्थ की सिर्फ एक ही ब्रांच है, ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जामनगर में सिर्फ एक ही ब्रांच है, कहीं और कहीं पे रिच वेल्थ नहीं है, और पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही ब्रांच है, और आपको जो नंबर दिए गए ना उसी पे आप कॉल कीजिए, और अगर आपका बात योगेश जी से हो रही है, मुझसे हो रही है, या फिर रिच वेल्थ के ऑफिशियल से हो रही है, ऑफिशियल नंबर पे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे अलग कंपनी है रिच वेल्थ के नाम के भी जो अपना चला रहे हैं, लेकिन आपको जो ये नंबर पे आप मेंशन किया उस पे ही आप कॉल करिएगा, उससे ही आपकी जो बात हुई उसी पे ट्रस्ट कीजिएगा आप। और एक भी है ना, आपको फोन करके वीडियो कॉल करके देख भी सकते हैं ना कि हाँ, ये आप यस ये करिए, हम बैठे ये योगेश जी से आप बात करिए, आपको योगेश जी बात करेंगे, और उसके जो आप आगे बातचीत करें उसी पे ही ट्रस्ट कीजिएगा, ये होता है ऐसा। ये इंडिया में ये होता है, ये कहीं पे भी होता है। अरे अभी ये फेस कर रहे हैं हम। हाँ। तो ये सबको बता दे कि ऐसा चल रहा है अभी, तो फिर तो इसका मतलब एक और भी है कि बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ये होता है, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा चल रहा है, सबका साथ है और सब अच्छा चल रहा है सब। दिवाली आ रही है तो हमने बहुत सारे प्लान कर लिए, ओम ऑलवेज बोलता है कि मम्मी तुम इतने सारे प्लान कर रहे हो, लेकिन ये डेफिनेटली हम दिवाली पे कुछ स्पेशल करने वाले हैं। हाँ, और सभी लोगों को पहले से हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और रिच वेल्थ की तरफ से भी। हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी न्यू ईयर आल्सो, और सबको एक बार फिर से
हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू वेरी मच रिचवेल के साथ जुड़ने के लिए और इतना ट्रस्ट करने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच सबको। तो अभी सीव भी उठ गया है और हम तो बोल रहे हैं कि आज आप रुक जाओ, रोटला ओरा सब खा के जाओ, हमारे खेतों में काम करके भी जाओ। मूंगफली देखो ऐसे चुन रहे नहीं, देखो अभी वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से है तो सबको ऑलमोस्ट योगेश भाई को छोड़ के संतोष बहन को भी पता है, ये गाँव से ही पले बड़े और फिर आगे अभी जो भी इनका काम है वो कर रहे हैं, लेकिन इनको खेतों के बारे में आइडिया है। योगेश भाई आप प्राउड वाली बात है। हाँ, योगेश भाई जल्दी सीखने आने वाले। देखो जो भी कॉल कर रहे हैं ना, जो भी फोन कॉल्स आ रहे हैं उसमें तो बहुत अच्छी सी कस्टमर सर्विस मिलती है योगेश भाई से, लेकिन यहाँ पे मूंगफली में आपको अच्छा लगेगा काम करना खेत में? ट्राई कर सकते हैं, करना चाहिए सबको, करना चाहिए। अभी सी उठा है तो जाते हैं सब घर। देखो हमारी बच्चा पार्टी पूरी, देखो खुशी है ना, ये खुशी का छोटा भाई है, क्या नाम है, राजू, राज नाम है, राज है इसका नाम, और ये दोनों भी खुशी के भाई। मेरा फेवरेट वाला ना ये है मिस्टर विशाल, खुखार आदमी है, सबको मारता है। राजू है, विशाल है, उसका कपिल नहीं, कपिल है वो, क्या है तुम्हारा नाम, क्या है, सूरज, ये विशाल का भाई है सूरज, फिर दूसरा हो गया, ये दोनों बच्चे और खुशी और ये चार बहन भाई है, और ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है वो नानजी के है और कपिल है, तो सबको एक एक चॉकलेट, खुशी सबको दो। और ना इन सबको भी खाने पे ले जाना एक बार, खाना वैसे थोड़े थोड़े टाइम पे खिलाते रहते, वैसे रोज खिलाते मम्मी इनको घर का खाना तो, लेकिन बाहर भी जाना है रेस्टोरेंट में, ओम की बर्थडे पार्टी एंजॉय करने जाना है सबको। और संतोष में देखा आपने ये हेल्दी कितना है, तभी 3 महीने ही हुए इसको, ये ना खेलने वाला है, अभी बच्चों को ना कुछ चाहिए खेलने के लिए, ऐसे करो हाथ, ऐसे करके ऐसे करना, हो गया? लगा नहीं, लगता नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता क्या करना है। देखो देखो इसके हाथ में रेडी किया हाथ, रेडी हुआ ना। ऐसी चीजें पहले हम भी करते थे, याद है ना, हम देते, ये किया है तुमने पहले कर? नहीं, हमारे टाइम में नहीं था ना ये। चलो तुम्हारे बाकी, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, ये रोएगा, इसको मैं आराम से पहना देती हूँ। हम ना अर्ली 90s मॉडल है सारे, उनके टाइम में नहीं था ये सिर्फ सब आया 2000 के बाद, विशालियन ले, विशालियन। यस, लास्ट वाला कपिल के लिए। कड़ी बात है, अरे बंद थे जाए। और यहाँ ऊपर ऊपर जो मूंगफली है वो निकालने का अभी काम चल रहा है। नानसिंह बहु निक रहे, थोड़ी थोड़ी निक रहे नहीं। तो यहाँ पे जो ये स्पेशल इंजीनियरिंग बर्थडे बॉय है उसके लिए इंजीनियरिंग दिमाग वाला ये क्रेन बनाया हुआ है, जिसमें मेरा कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ ये हाइड्रोलिक सिस्टम से चल रहा है पूरा का पूरा। अभी जैसे ही ओम सिरिंज का दिखाओ, यहाँ से ये खींचेगा एक, ओ वहाँ से मूव हो रहा है। हाँ एक, एक, हाँ ओके, मैं नज़दीक से दिख, हाँ ओके, ये सब कुछ ये सिरिंज में जो पानी भरा है ना उसके प्रेशर से हो रहा है। एक टर्निंग का, ओके ये टर्निंग का है, ऊपर नीचे का दिखा दो एक बार, ओके समझ में आ गया। तो ये पूरा इससे काम चलता है, ये उठाता है ओम, ये वापस भेजता है, सब कुछ नीचे रखना,
पकड़ना छोड़ना, तो अच्छा लगा ना तुमको ये तुमको लेगो ये ऐसा इंजीनियरिंग वर्क अच्छा लगता है? लिफ्ट करना पड़ेगा। ओके ओके हो गया, बाय बाय। अब चलो खाने के लिए। कैसे होता है? ओके ये स्टोन का जो पाइप है वो यहाँ पे जाता है, जो इसे पुश करता है, और इसका जो पुशिंग होता है ये वाला वो फिर पुश होता है, वो उसे पुश करके दिखा। हाँ वो वहाँ से पुश करेगा, उससे ये पुश होता है, वो उससे यहाँ पे ये होता है, उससे ये पुश होता है। हाँ वो बहुत ज़्यादा मगज मारी है इसमें। अभी भी ये ग्रेप का यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर ये ये फिर इसका भी जो जब मूव होता है तब ये दो को कनेक्ट कर देता है, और फिर ये लिफ्ट वाला यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ पे जाता है। ओके ये वाला ऊपर नीचे और फिर उसका जो ये वो पुश होता है, इसलिए ये पूरा पुश होता है जैसे कि ऐसे। हाँ आ गया समझ में। चलो अब खाने के लिए जाओ। देखो ऐसा लग रहा है कि ये क्रेन का इंजीनियर मैं हूँ, मैं इसको खोल रहा हूँ बंद कर रहा हूँ। आओ क्रेन इन डेंजर। क्रेन नॉट इन डेंजर।